गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस मेंशन इन योर साइंस बुक। तो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडी अबाउट सेपरेशन मेथड। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेपरेशन मेथड आर इंक्लूड वी यूज लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, थ्रेशिंग। दिस थ्री मेथड आर यूज इन सेपरेशन ऑफ सॉलिड मिक्सचर। हम सॉलिड मिक्सचर को आपस में अलग कैसे कर सकते हैं, कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसमें हमने पहले की वीडियो में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था हैंड पिकिंग, सीविंग और आपका थ्रेशिंग टेक्निक। ये टेक्निक आपने कल पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हैंड पिकिंग में क्या था कि आप अपने हैंड्स का हाथों से आप जो सॉलिड पार्टिकल है या फिर जो अनडिज़ायरेबल पार्टिकल है उसको रिमूव कर सकते हैं आपके डिज़ायरेबल सब्सटेंस, मतलब आपका जो अनाज है, गेहूँ वगैरह, उससे आप छोटे छोटे स्टोन को रिमूव कर सकते हैं बाय हैंड, हाथों से। सीविंग में क्या था, छलनी के द्वारा जो आपको उसमें क्या होता है, जो लार्ज पार्टिकल है वो रह जाते हैं और जो स्मॉल पार्टिकल है उस सीव से पास आउट हो जाता है, जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। सुन, थ्रेशिंग में क्या था, थ्रेशिंग में आफ्टर हार्वेस्टिंग जब आपकी फसल पक जाती है उसके बाद आप ग्रेन को क्या करते हैं, उसकी स्टॉक से, उसके जो प्लांट है उससे अलग कर सकते हैं बाय मैनुअली, हाथों से भी कर सकते हैं और थ्रेशर का इस्तेमाल करके भी आप अलग सेपरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका आज विनोविंग। विनोविंग क्या होता है, यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट हस्क एंड हे फ्रॉम ग्रेन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ विंड। अब क्या कह रहा है, जो आपके जो ग्रेन है, अनाज होता है, उससे आप अपने हस्क एंड हे, जो भूसा होता है जो आपको चाहिए नहीं होता, भूसा, भूरा, ये सब आप अपने ग्रेन से अलग कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, विंड, हवा की हेल्प से, ठीक है। अभी कैसे कर सकते हैं, इट इज़ अ मेथड यूज्ड ऑन प्रॉपर्टी दैट ग्रेन्स आर हैवियर देन हस्क एंड हे। ये विंड से तभी रिमूव हो सकता है विनोविंग थ्रू, जब आपका जो ग्रेन है, अनाज है, वो हस्क, जो आपका भूरा है, जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है, उससे भारी हो, मतलब आपका अनाज भारी होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, जो हस्क एंड हे है वो क्या होना चाहिए, आपका लाइट इन वेट होना चाहिए। कैसे, आपने देखा होगा, आप जब अनाज लेते हैं कोई, मतलब गेहूँ का जो आप प्लांट है, जहाँ जिस चीज़ से गेहूँ निकलता है, ठीक है, जैसे आपका ये पता है, ऐसे ऐसे इस टाइप के गेहूं की कली होती है ऊपर, जिसके बीच में यहाँ पे आपका गेहूं का अनाज होता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे आपका गेहूं का अनाज होता है इसके अंदर, और ये बाहर इसका भूसा पत्तियों से कवर होता है। इस पत्तियों को हटाने के लिए, इस भूरे को हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं विनोविंग को, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब देखिए, जो आपका अनाज गेहूँ वो तो भारी होता है, जो आपकी पत्ती हैं ये हल्का, इनका भी सूखने के बाद तो लाइट हो जाता है बिल्कुल, तो आप ऐसे इसको रिमूव कर सकते हैं। वीट ग्रेन्स कंटेनिंग हस्क आर सेपरेट फ्रॉम दैम वैन विंड इज ब्लोविंग। अभी क्या कह रहे हैं, जो अनाज है गेहूं का, अब वो हस्क के भूरे से, इस लीव से, अनवांटेड पार्टिकल से तभी रिमूव होगा जब आपकी हवा चल रही होगी, बह रही होगी। अगर हवा नहीं चल रही होगी तो आप इजीली नहीं कर सकते। जैसे कैसे होगा, हवा के साथ जो मिट्टी होती है वो भी तेज़ हवा के साथ मिट्टी भी उसके साथ उठी चली जाती है ना, ऐसे ही जब हवा तेज़ होती है तो जो ग्रेन के साथ ही जो हस्क होता है, जो भूरा होता है, जो आप इसको चारे में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको रिमूव करना आसान हो जाता है। लाइटर हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय विंड एंड फॉर्म अ सेपरेट हीप फ्रॉम दैट ऑफ हैवियर ग्रेन्स। अब ये कह रहे हैं, जो हवा चलती रहती है, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं भूरे के, हस्क के, वो क्या होता है, विंड के साथ उस ग्रेन से, अनाज से अलग हो जाते हैं, अपना एक हीप मतलब अपना एक ढेर, अलग से ढेर बना लेते हैं, ठीक है, जिससे आपके अनाज से अलग होकर इधर हवा के भाव से यहाँ अपना ढेर बना लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे होता है विनोविंग, इस टेक्निक को, मतलब विंड की हेल्प से आप अपने अनाज से भूरे को, अनवांटेड सब्सटेंस को अलग कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे आप, विनोविंग कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या, आप मैग्नेटिक में चुंबक के द्वारा किसी चीज़ को अलग कर रहे हैं, वो सब मैग्नेटिक में आएगा। ये क्या होता है, इट इज़ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस यूजिंग अ मैग्नेट। एक चुंबक का इस्तेमाल करके आप मैग्नेटिक सब्सटेंस आर दूस सब्सटेंस विच कैन अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेट। मैग्नेटिक सब्सटेंस वो चीज़ें होती है जो एक चुंबक की तरफ, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते, खींचती चली जाती हैं। एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस आर दूज सब्सटेंस विच कैन नॉट अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस वो मैग्नेट होती हैं या वो सब्सटेंस होते हैं जो एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उससे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को कैसे अलग कर सकते हैं, सिर्फ एक मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखो मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन होंगे आपके, आयरन, निकल, कोबाल्ट और काफ़ी सारी मेटल है जो आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस में इंक्लूड होती है। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में एल्यूमिनियम, वुड, प्लास्टिक, कॉपर, ये सब आपके नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में आता है, ठीक है। तो आप जब आप मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक में क्या हो क्या होगा, तो मैग्नेट से जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सबसे मिलकर जो चीज़ें बनती हैं वो क्या होंगी, इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, इस मैग्नेट से चिपक जाएंगी। लेकिन नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेट के साथ नहीं चिपकेगा, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं होगा। तो क्या होगा, इससे अलग हो जाएंगी। मान लो यहाँ पे आपका काफ़ी सारा सब्सटेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, आप एक मैग्नेट को पास लेकर आते हैं, तो इनमें जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सब चीज़ों से मिल गई, वो तो क्या होगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो नहीं होंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है, उसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आप क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस अटैच टू ए मैग्नेट वाइल अदर सब्सटेंस डू नॉट। आप ये कह रहे, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है मैग्नेट की तरफ अटैच होता है लेकिन दूसरे सब्सटेंस नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन फैक्ट्रीज स्क्रैप आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट फिक्स टू अ क्रेन। अब क्या कह रहा है, जो बहुत से इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाले जो मैग्नेट होता है, उनको क्रेन के साथ फिक्स किया जाता है, ताकि क्या किया जाए, उसका जो ढेर होता है, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल, जो मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वेस्ट मटेरियल का ढेर होता है, उससे आप आयरन को अलग कर सके। इन फैक्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ऐसे क्यों, अब देखिए, जो आपका आयरन है मैग्नेटिक सब्सटेंस, उसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए फैक्ट्रीज में वेस्ट से जो चीज़ें यूज़ नहीं होती उससे आयरन को अलग किया जाता है, और आयरन को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इसमें सब्लीमेशन। अब सब्लीमेशन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इंटू वेपर विदाउट कन्वर्टिंग इट इंटू अ लिक्विड। अब क्या कह रहा है, जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट, जब आपका सॉलिड है डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है वेपर के अंदर, बिना किसी कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड। अब देखिए, हम आपको पता है जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड है वो आपका वेपर या गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि वो प्रोसेस जिसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, पहले से सॉलिड है वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है, सीधा ये सॉलिड चीज़ से वेपर भाप बन रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे आप, सब्लिमेशन। देन वेपर कूलिंग्स गिव प्योर सब्सटेंस ऑफ ए सॉलिड फॉर्म। अब जब ये वेपर भाप ठंडी होगी तो ये प्योर सब्सटेंस, साफ सब्सटेंस देगी, किसका, सॉलिड फॉर्म का, ठीक है। अब हम ऐसे बोल सकते हैं, सब्सटेंस लाइक कैम्फोर, नेपथेलिन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर। अब क्या कह रहे हैं, कुछ सब्सटेंस है लाइक आपके कैम्फोर, मतलब जैसे आपका कैम्फोर है, क्या बोलते हैं आप कैम्फोर को बोलते हैं ना, कपूर, नेपथेलिन, कपूर की गोलियां, कैम्फोर, ये सब आप आयोडीन, अमोनिया, इन सब का ये जो सब्सटेंस है वो सीधा जब आपको जलाएंगे वो सीधा किस में, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने देखा नेपथेलिन, कपूर की गोलियों को जलाते हैं जब आप, तो सीधा वो क्या हो जाता है, आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब अब इसमें क्या कर रहे हैं, सब्लिमेशन कैन बी यूज टू सेपरेट दीज सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर। अब सब्लिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम जो सब्सटेंस है इनको किसी मिक्सचर से अलग कर सके। अब कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकती है तो हम इजीली उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर विदाउट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। अब जो सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, वो हीट के द्वारा कन्वर्ट होगा, लेकिन जब वेपर ठंडा होगा, कूल होगा, तो किस में चेंज होगा, आपका सॉलिड में चेंज होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, योर टुडेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट डाउन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ डिफ्रेशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट डिफ्रेशिएट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, योर सेकेंड डिफ्रेशिएट इज होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, योर थर्ड डिफरेंस इज सोल्यूट एंड सोलवेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।